हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको विश्व की जनजातियों के बारे में करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एस्किमो जनजाति, मसाई जनजाति और बुशमैन जनजाति, ये तीन जनजातियों पर तीन प्रश्न करा दिए हैं। चौथे प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, वो है नागा जनजाति। ठीक है, मैं तीन क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग ने सब नोट कर लिया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होने पे, नागा जनजाति के लोग, इसमें हमें इनके निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और इनके क्रियाकलापों का भौगोलिक विवरण करते हुए बात करनी है। क्वेश्चन इसी तरह से आता है। चलिए पहले, सबसे पहले नागा जनजाति पता करते हैं कहाँ पाया है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नागा पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, नागालैंड ये जो सात बहने कही जाती है उनमें से ये एक है नागालैंड। यहाँ पे नागा पर्वत है, वहां पर ये नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नागा पर्वत श्रेणी पर्वतमालाएं फैली हुई हैं, जहां पर ये नागा जनजाति के लोग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इनका प्रमुख स्थान है। यद्यपि नागा लोगों की उत्पत्ति के संबंध में विवाद पाया जाता है, हालांकि इसमें बहुत विवाद है कि नागा जाति के लोगों का उत्थान कहाँ से हुआ है, पर इसके इस विवाद में सबसे ज्यादा मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं। ये लोग नागा जनजाति के लोग मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, इनका संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है जो संपूर्ण पूर्वी भाग में फैला हुआ है। मैं अभी आपको मैप द्वारा समझाऊंगी कि ये कहाँ पर फैले हुए हैं। अभी आपसे बात आगे, नागा जनजाति का संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में, जो भारत में जो सात बहने हैं कौन कौन सी, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो अरुणाचल प्रदेश, ये जो सात बहने कही जाती है, सेवन सिस्टर्स इंग्लिश में कही जाती है, उनमें से ये नागालैंड एंड राज्य में ये नागा पर्वत की पर्वतमालाओं पर ये नागा जनजाति के लोग फैले हुए हैं। ठीक है, इनका भौगोलिक विवरण इन बिंदुओं पर हम करते हैं। सबसे पहले इनका निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि नागा जनजाति के लोग नागालैंड के नागा पहाड़ियों पर स्थित जो पर्वतमालाएं हैं वहां पर ये जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नागा उत्तरी पूर्वी इलाके की प्रमुख जनजाति है, नागालैंड इसका प्रमुख राज्य है, परंतु बाहर भी ये ऐसा नहीं है कि ये नागालैंड में ही केवल पाए जाते हैं, ये इनके और भी जगह पाए जाते हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, नागालैंड के अलावा ये पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम की पहाड़ी भागों में तथा असम व अरुणाचल में भी निवास करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, केवल ये नागालैंड के नागा पहाड़ियों में ही ये नागा जनजाति के लोग नहीं रहते हैं, अपितु पटकोई पहाड़ियों में। फिर से मैं बात करती हूँ, कौन कौन सी हो गई, पटकोई पहाड़ियां, मणिपुर में पटकोई पहाड़ियां हो गई, और मिजोरम और मणिपुर में कौन कौन सी हो गई, पटकोई पहाड़ियां। ठीक है, तथा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ियां हो गई, पटकोई पहाड़ियां कहाँ कहाँ पे हो गई, मणिपुर और मिजोरम में। ठीक है, ये असम और अरुणाचल में भी पाई गई। तो इस प्रकार से हमने मालूम हुआ कि नागा जनजाति के लोग ये जो भारत के उत्तरी पूर्वी कितने राज्य है, सात राज्य, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड ये सारे जो सात राज्य हैं, इनमें ये जो सात बहने कही जाती, सेवन सिस्टर्स कही जाते हैं, इनमें ये नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। यह संपूर्ण ये कैसी जगह है,
अब हम बात करते हैं ये जो नागालैंड जो जनजाति के लोग पाए जाते हैं ये किस जगह पे कैसी जनजाति किस जगह पे ये कहते हैं घनी वनस्पति वाला क्षेत्र है। पहली बात हम ये बता दें ये घनी वनस्पति वाला क्षेत्र कैसे है। यहां पे बारिश लगातार बहुत मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। यहीं पे आपको मालूम है चेरापूंजी और पहले जो सबसे अधिक वर्षा होती थी वो कौन सी थी जगह पहले चेरापूंजी होती थी, अब सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया वो है मौसिनराम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत गलत करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपटीशन में भी आता है कि सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम लोग चेरापूंजी लगा के आ जाते हैं, जबकि चेरापूंजी से पहले ये जगह है मौसिनराम नाम की जगह है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। जब ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो जब वनस्पतियों को क्या चाहिए, खूब धूप चाहिए, खूब पानी चाहिए, ठीक है। जब पानी खूब मिलेगा वनस्पतियों को तो ये घनी वनस्पति वाला क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये नागा प्रजाति के लोग जहां पाए जाते हैं, ये जो सात बहने वाला जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है वहां पर घनी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। और ये जो नागा प्रजाति के लोग हैं ये 16,488 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये 16,488 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। फिर इनका विस्तार में बात करती हूँ, इसके विस्तार के बात अधूरी रह जाएगी। इसका विस्तार हुआ 24 डिग्री 62 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 42 मिनट्स उत्तरी या नॉर्थ अक्षांश लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड कह दे या उत्तरी अक्षांश के बीच मध्य पाई जाती है। और देशांतर की बात करें तो 93 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 94 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट देशांतर या पूर्वी देशांतर के मध्य ये नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। फिर से मैं बोलती हूँ 16,488 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ में पाए जाते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियों में और पटपोई पहाड़ियों कहाँ होती है, मणिपुर मिजोरम में, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इस क्षेत्र है 16,488 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला जो नागा जनजाति का क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई नागा पर्वतमालाओं की और पटकोई पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 2000 मीटर। मैं फिर से बात करती हूँ, नागा और पटकोई पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 2000 मीटर है जहां पर ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। मैं मैप के द्वारा इंडिया के मैप के द्वारा आपको और थोड़ा समझाना चाहूंगी। ये देखिए भारत का नक्शा हो गया। अब हमने आपसे बात की थी नागा प्रजाति के लोग उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा हो गया, ये वाला उत्तरी पूर्वी भाग हो गया, ठीक है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य हमारे ये हो गए जिसमें आपका नागालैंड मिजोरम मणिपुर यहां पे आपको कौन कौन सी आपको नागा पहाड़ियां हो गई पटकोई पहाड़ियां हो गई अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये असम हो गया। यहां पर आपको ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ये यहाँ पे घनी वनस्पति भी हो गई, यहाँ पे
पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 2000 मीटर है। ये मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं ये मंगोलॉयड। हालांकि इनके प्रजाति के बारे में, कहां से इनके वंशज है उसके बारे में थोड़ा विवाद बना हुआ है, पर ये मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं जो भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके में पाए जाते हैं, राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इनमें प्रमुख है, असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सी पहाड़ियों में पाए जाते हैं? नागा और पटकोई पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 2000 मीटर पर है। ठीक है, अब मैं साइड हो जाती हूं, बाकी का आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताऊंगी। इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे ये लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था चलती है, आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट।